कह रहा है ब्लॉगर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है उन आपको तेज झूलने की डर क्यों लगता है? आए बगैर रुको, ऐ लड़के देख लो भाई लोग मेरे घर का दृश्य। ऐश हो रही है सबकी, इधर टीवी चल रहा है, उधर लड़ने में लगे हैं भाई बहन। सोफा का कवर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, मेरे घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, जबकि एक इधर है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब सुबह से बारिश हुई है टिप 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 करके, और इस टाइम में खुला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो बाहर निकली तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा बहुत सूट कर लेना चाहिए, तो वाकई में मौसम बहुत अच्छा है। और मेरे साथ कौन है, इधर आओ, कौन है ये मेरे साथ है? ये शैतान लड़का यूट्यूबर। हाँ, आने वाले दिनों में आपको ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर के रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने छोटे से हैं और अभी से अपना पैशन बना करके रखा है कि मुझे ब्लॉगर बनना है ना जी। हाँ, क्या बनना है, नाम बताओ क्या बनना है? आर्टिस्ट बनना है, ब्लॉगर नहीं बनना है। ब्लॉगर बुआ बनी है, उतना ही बहुत है, तो इनको आर्टिस्ट बनना है। और इन्होंने बता दे, इन्होंने अभी से अपना चैनल बना करके रखा है, किसी से सब्सक्राइबर है अभी से अपना चैनल बना करके रखा है और 150 सब्सक्राइबर हैं इनके। बताइए, मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ मुझे अब तक इतने सब्सक्राइबर नहीं मिले हैं, और ये क्या करते हैं, छिटपुट से ये वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं और इनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अच्छा लगता है कि हाँ चलो गिनती में कम से कम मेरे इतने सब्सक्राइबर तो हैं। वीडियो देखे या ना देखे अच्छा लगता है देखने में। जब अपना चैनल खोलती हूँ तो वीडियो डालने के लिए तो एक दो भी सब्सक्राइबर बढ़े रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो आज कम से कम कोई और है जो मुझे पसंद कर रहा है, मेरे वीडियो को पसंद कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए आज शाम के टाइम से ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं, आज संडे था तो कुछ बनाए नहीं है, तो चलिए ठीक है दिखाते हैं आप लोगों को कि आज मेरे गार्डन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, आज कुछ अलग मुझे देखने को आज गार्डन में अपने मिला है, क्योंकि दो दिन इतना बारिश हो रहा था कि उतने गौर से अपने गार्डन को देख नहीं पाई, बारिश की वजह से मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा पा रही थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या चेंजिंग आई है मेरे गार्डन में। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये पौधा जो है इसको कौन सा पौधा बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, जरबेरा। हाँ, जरबेरा का ये मेरा पौधा है, और इसमें देख रहे हैं ये मैं मतलब ठंड में ला करके लगाई थी, लेकिन ठंड में मुझे एक भी फूल नहीं मिला था इनसे,
और इस टाइम में जब बारिश हो रही है तो मतलब लगता है कि इनको बारिश का मौसम पसंद है, तो ये खिल रहे हैं। मतलब अभी पहली बार इसमें ये कली आया है, ये देखिए है ना, ये कली पहली बार आया है। और जब ये खिल जाएगा तो भी मैं अच्छे से इसका वीडियो बना करके डालूंगी, क्योंकि जब कोई चीज इंतजार के बाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि इसमें कब फूल आएंगे, फाइनली इसमें फूल आ गए हैं। और एक इधर भी है, ये देखिए एक इधर भी है। खिलने के बाद ये पता चलेगा कौन सा कलर है, क्योंकि मैं दो कलर का ला करके लगाई हूँ। तो एक ये रहा और एक ये रहा, एक इधर लगाई हूँ, एक इधर भी है। देखते हैं कौन से कलर का निकलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा अडेनियम का पौधा है। जब बहुत छोटा सा ला करके लगाए थे, बहुत मतलब एकदम छोटा सा ला करके लगाए थे, पर इसमें देखिए कली आ गई है। ठंडी है, ठंड में ये पता नहीं खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें ठंड के महीने में भी कली आई थी, पर ये खिला नहीं अच्छे से और इसकी कली झड़ गई थी। और अभी देखिए, ये मेरा छोटू सा प्लांट है, अभी भी छोटा ही है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो और खूबसूरत लगेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा मैं दिखाऊंगी। ये वाला पौधा बहुत अच्छा लगता है देखने में, और इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। तो ये भी मैं जब अभी बाहर निकली हूँ शाम को तो देख रही हूँ, तो इसमें भी कली आया हुआ है। देखते हैं खिलता है या नहीं खिलता है, झड़ जाता है, क्योंकि सभी के अडेनियम में तो फ्लावर दिख रहे हैं पर मेरे में नहीं दिख रहा था। लगता है ना कि हाँ कब खिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये खिलते हैं या झड़ जाते हैं। तो इसको मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट करके रखा है पॉट को, इन फूलों के साथ। अरे जाओ खेलो तो सही, जैसे खेल रहे हो खेलो, हम अपना काम कर रहे हैं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब जो हम लोगों के यहाँ मेड लोग आती है ना, उन लोगों के बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं। हम कहे कि आज मौसम अच्छा है तो चलो कुछ इधर का भी शूट कर लेते हैं। चलिए, कभी भी आप लोगों को अपना बैक एरिया नहीं दिखाए हैं तो आज देख लीजिए कैसा है। ये हम लोगों का पीछे का एरिया है, कैसे कैसे ये लोग दिन निकालते हैं ये तो यही लोग जानते होंगे। ठीक है, लाइन बत्ती इन लोगों को मिल जाता है, लेकिन इन लोगों का घर भी मैं दिखाऊं तो कुछ बाहर से देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। इसी तरह से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं ऐसे ही। अभी इनकी मम्मी नहीं है इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दिखा देते हैं। मम्मी रहती तो दिखाते आप लोगों को अंदर से भी। तो ये सब बच्चे अपना मस्ती से खेल रहे हैं। अब ना तुम लोग पिटाई खाओगे। ये पेड़ क्यों तोड़ रहे हो? आंटी नहीं है, कौन आई हुआ है? वो छोटा सा लड़का है, छोटा सा लड़का। क्यों पेड़ तोड़े हो भाई? वो पतला सा डंडा जानबूझ के वो पकड़ा था तोड़ने के लिए। उसमें जो आंटी रहती है वो नहीं है? फिर हाँ, हम कहे आज तुम लोगों के साइड का वीडियो बना लेते हैं। बोल बोल के बनाए, चलिए अपनी अपनी तारीफ करो तुम लोग, करो तारीफ करो अपनी अपनी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो चलो बताओ। हाँ, स्कूल स्कूल जाते हो तुम लोग? यस। कौन सी स्कूल में जाते हो? और अच्छा, प्राइमरी स्कूल और अडर सेकंड में जाते हैं। अमन तो नहीं जाता है? अमन जाता है एक में, पर कभी जाता नहीं। कौन सा सबसे ज्यादा पर जाता नहीं? नाम लिखा है। अच्छा,
तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं ज्यादा। ये बच्चे हैं, ये लोगों को ये तो मस्ती है, अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्लॉगर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है उन आपको तेज झूलने से डर क्यों लगता है? आए मगर रुको, ऐ लड़के रुक जाओ, लाला रुको, ओए इतना तेज तेज झूला रहा है, मैं ज्यादा तेज नहीं झूलती हूँ, हमारे यहाँ मेला लगा लेकिन मैं जल्दी झूले पर नहीं बैठती, मुझे डर लगता है। अब फ्रेंड रूम का हालत कुछ ऐसा है, देख लीजिए, शाम होते होते अभी रात बाकी है, कोई भी चीज अपने जगह पर नहीं रह सकती, टीवी चल रहा है। चलो भाई ऐश के दिन है, इन लोगों के ऐश करो।